तो यारो कैसे हो, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो वरुण धवन की भेड़िया का आज फाइनली ट्रेलर आ चुका है और कुछ दिन पहले इस मूवी का एक टीजर भी आया था जो कि काफी अच्छा था, लेकिन फिर भी मैं इस मूवी के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था और आज इसका ट्रेलर देखने के बाद मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ। तो ऐसा क्या था इस ट्रेलर में, इसी पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी स्पॉइलर। तो भेड़िया के ट्रेलर पर बात करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। तो डायरेक्टर अमर कोश की, जिन्होंने स्त्री और बाला जैसी अच्छी कॉमेडी मूवीज बना रखी है, वही इस भेड़िया मूवी को भी बना रहे हैं। तो यहाँ होप्स कर सकते हैं कि हमको अच्छी कॉमेडी देखने को मिलेगी हॉरर के साथ साथ। और भेड़िया मूवी एक फ्रेंचाइजी का पार्ट है जिसमें कि पहले दो मूवीज आ चुकी है, स्त्री और रूही। दोनों मूवीज हॉरर कॉमेडी बेस्ड थी और ये मूवी भी हॉरर कॉमेडी होने वाली है। और इस मूवी में हमें स्त्री और रूही मूवी के ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये इन सब हॉरर कॉमेडी वाली मूवीज को बनाकर एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स सेटअप कर रहे हैं, यानी कि हमको फ्यूचर में एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स देखने को मिलेगा। वो इस पर भी डिपेंड करता है कि भेड़िया मूवी कितना अच्छा परफॉर्म करती है। तो अगर आपको इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स पर एक अलग से वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे जाकर कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो अब फाइनली बात करते हैं भेड़िया के ट्रेलर पर। तो भाई साहब क्या ट्रेलर था, गजब। बॉलीवुड की तरफ से बहुत दिनों बाद ऐसा लगा है कि कुछ आ रहा है, नहीं तो सब कुछ ऐसे ही आ रहा था, ऐसे ही जा रहा था। हालांकि दृश्यम 2 का ट्रेलर काफी अच्छा था, तो अब थोड़ा सा लग रहा है कि बॉलीवुड लाइन पर आ रहा है, लेकिन फिर आदिपुरुष जैसा कुछ देखने को मिलता है और फिर वहीं पर आ जाते हैं जहां से इन्होंने शुरुआत की थी। तो आदिपुरुष पर ज्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि उसकी हमने पहले ही बहुत ज्यादा ले रखी है, तो बात करते हैं भेड़िये पर। तो भेड़िया का ट्रेलर देखने के बाद जो मुझको इसकी स्टोरी का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा है, तो वो यही होगी कि एक भास्कर नाम का बंदा है जिसको कि भेड़िया पिछवाड़े पर काट लेता है, जिससे कि उसके अंदर भेड़े की पावर्स आ जाती हैं, जैसे कि दूर तक सूंघना, दूर तक सुनना, सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ और रात में भेड़िये में ट्रांसफॉर्म होना। तो जब भास्कर के पास ये सब पावर्स आ जाती हैं, तो फिर वो अपने आप को सही करना चाहता है और फिर से एक नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आना चाहता है। तो मूवी की स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी कि आखिरकार वो फिर से नॉर्मल होगा या नहीं होगा। तो जो ये भेड़िया यानी कि वेयरवुल्फ वाला कॉन्सेप्ट है बॉलीवुड के लिए तो काफी नया है और अब तक शायद इंडिया में इसके ऊपर कोई मूवी या कुछ भी बना नहीं है। तो ऐसे में बस मूवी को चाहिए एक अच्छी स्टोरी, तो मूवी चल जाएगी। यही तो चाहिए ऑडियंस को, कुछ नया, कुछ अलग। और जो देखकर मैं इस ट्रेलर को सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव हुआ वो थे इसके वीएफएक्स और सीजीआई। भाई आप ट्रेलर में जो ये वरुण धवन वाला ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन देख सकते हो, इसके साथ साथ जो भेड़िया या वेयरवुल्फ के सीजीआई हैं काफी अच्छे लग रहे हैं। तो ट्रेलर देखकर मूवी के वीएफएक्स और सीजीआई काफी अच्छे लग रहे हैं, एकदम हाई लेवल की भी नहीं है लेकिन हाँ अच्छे हैं। और हाँ, मुझको ये भी सुनने में मिला कि इसके वीएफएक्स हॉलीवुड स्टूडियो संभाल रहे हैं जिन्होंने की बड़ी बड़ी हॉलीवुड मूवीज में काम किया है। और इसके साथ साथ जो मूवी में जंगल वाले शॉट्स और विजुअल्स दिख रहे हैं वो काफी अच्छे हैं और मूवी को अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में रियल में शूट किया गया है। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो सब कुछ वीएफएक्स नहीं है, मूवी की शूटिंग एक्चुअल में जंगलों में जाकर की गई है अरुणाचल प्रदेश के। तो मूवी हॉरर कॉमेडी जॉनरा से होने वाली है, तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग सा जॉनरा है जिसमें कि आप डरने के साथ साथ हंसते भी हो, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है कि हंसाना भी है और डराना भी है। लेकिन आप अमर कोश की स्त्री मूवी देख सकते हो जो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो आपको डराती भी है और हंसाती भी है। होप्स है कि भेड़िया भी कुछ ऐसा ही कर जाए तो मजा ही आ जाए। तो ओवरऑल जो ट्रेलर में हमको कॉमेडी देखने को मिली है अच्छी खासी है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है, जिसमें कि ये डायलॉग काफी अच्छे हैं कि कुत्ते मेरे को फूफा फूफा बुलाते हैं और भास्कर का चड्डा भास्कर का चड्डा। लिटरली ये डायलॉग सुनने के बाद मुझको हंसी आई थी। और बात रही हॉरर की तो वो तो कमाल का है ही। तो वरुण धवन जो इस मूवी में मेन हीरो भास्कर का रोल प्ले कर रहे हैं, उनको कल इंडस्ट्री में आए 10 साल हो चुके थे, तो उनके 10 साल सेलिब्रेट करते हुए कल ये ट्रेलर ड्रॉप किया गया। और इस ट्रेलर को देखने के बाद और उनका इसमें परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझको लगा कि वाकई इनको 10 साल हो चुके हैं, क्योंकि भाई साहब वरुण धवन की एक्टिंग लाजवाब लग रही है इस ट्रेलर में। और इसके साथ साथ इसमें हमें कृति सैनन और अभिषेक बैनर्जी देखने को मिलेंगे। तो अभी मूवी का वेट करते हैं। तो मूवी 25 नवंबर को आने वाली है आपके नजदीकी सिनेमाज में। तो मैं तो इस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ, और क्या आप भी हो? आप
आपकी इस मूवी को लेकर क्या ओपिनियन है, अपने ओपिनियंस कमेंट में दे सकते हो। तो ओवरऑल मेरे को भेड़िया का ट्रेलर काफी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग और प्रोमिसिंग है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पर कहीं से भी नहीं आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद। ये साले कुत्ते ना मुझे फूफा जी कह के चढ़ाते।